धौलपुर में बाइक सवार बदमाशों ने भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के जिलाध्यक्ष मुश्ताक कुरैशी के घर पर फायरिंग कर दी। फायरिंग में मुश्ताक कुरैशी बाल बाल बच गए। इस घटना के बाद जब जिलाध्यक्ष और उनके परिजन बाहर निकले तो बदमाश एक बाइक को मौके पर छोड़कर फरार हो गए। मामले की सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने बाइक को जब्त कर लिया। मुश्ताक कुरैशी ने कोटला निवासी जहर खान और साथी मोहसिन के खिलाफ पुलिस में शिकायत दी। देर रात हुई फायरिंग के बाद पुलिस सभी आरोपियों की अब तलाश कर रही है। रात को मेरे यहाँ उपास छोटा सा एक प्रोग्राम था, उपास जमाए थे, रोजे थे, रोजे रोजदार किए थे, उन्होंने घर खिला खाना खिला रहे थे। 11:30 बजे के टाइम पे वो खा के चले गए, तो हम 12:30 सोने के लिए चले गए, तो बेड पे अपने पे वहाँ के बाद में जो है करीबन 1:15 बजे के टाइम पे कुछ अज्ञात लोग आए, जिसमें जो अपाची है वो मैंने झगड़ा के लड़के पे देखी चलाते हुए, गोली यहाँ से मेरे घर में से या खिड़की पर चलाई है, और जिस जगह मैं सोता हूँ उस पर कुछ झपट आगे वहाँ पर मेरे लगी है। रात को करीब 1:30 बजे मुश्ताक कुरैशी के घर पर एक अपाची सवार बदमाश द्वारा फायरिंग की गई थी। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंच गई थी। अभी तक कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है। रिपोर्ट प्राप्त होते ही नियमानुसार कानूनी कार्रवाई की जाए। देश और दुनिया की हर छोटी बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें A1 TV News, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप पा सकें ताज़ा खबरों की नोटिफिकेशन।